तो हमने आपको कुछ दिन पहले बताया था कि व्यापार के मामले में कई देश चीन से पूरी तरह परेशान हो चुके हैं, इसलिए उन देशों का जो चीन में इन्वेस्टमेंट है उसे निकाल रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा फायदा किसी को हो रहा है तो वह है भारत। और हाल ही में भारत के लिए एक बहुत बड़ी और पॉजिटिव डेवलपमेंट सामने निकल कर आ रही है, जिसमें यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड ने ऐलान किया है कि वह भारत में 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट यानी कि निवेश करने वाले हैं। और खास बात यह है कि स्विट्जरलैंड ने सीधा सीधा कह दिया है कि इनका जो चीन की तरफ फोकस है उसको हटाकर भारत में शिफ्ट करना चाहते हैं। यानी कि एक तरफ स्विट्जरलैंड की तरफ से चीन को लात पड़ रही है, तो वहीं भारत में स्विट्जरलैंड की तरफ से 100 बिलियन डॉलर का निवेश अलग अलग सेक्टर में आ रहा है, जो कि भारत के विकास की रफ्तार और इकोनॉमी को बढ़ाने के लिए काफी ज्यादा मददगार होने जा रहा है। आपको बता दें कि इस इन्वेस्टमेंट की बात जनवरी के महीने से ही स्विट्जरलैंड के साथ चल रही थी, लेकिन अब इस बात का फाइनल कंफर्मेशन स्विट्जरलैंड की तरफ से आ चुका है। आखिर इससे भारत का किस तरीके से और किस सेक्टर में फायदा होने जा रहा है, साथ ही यह इन्वेस्टमेंट कहां कहां पर देखने को मिलेगा, यह सारी जानकारी इस वीडियो में हम आपको समझाने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए एक सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल आज के समय में देखा जाए तो दुनिया भर में कुल 195 देश है, लेकिन 100 से भी अधिक ऐसे देश हैं जिनकी टोटल अर्थव्यवस्था भी 100 बिलियन डॉलर नहीं है। यानी कि भारत में जो इन्वेस्टमेंट आ रही है उसकी वैल्यूएशन का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। हालांकि एक समय था जब भारत की भी अर्थव्यवस्था काफी कमजोर थी और भारत को भी दूसरे देशों के सामने लोन लेने के लिए हाथ फैलाना पड़ता था, लेकिन उस समय 10 या 20 बिलियन डॉलर भी भारत को लोन देने के लिए कोई भी देश आसानी से तैयार नहीं होता था। लेकिन भारत ने पिछले कुछ सालों में इतना ज्यादा विकास कर लिया है कि आज के समय जर्मनी, कनाडा और जापान के साथ साथ अमेरिका और सिंगापुर जैसे कई बड़े बड़े देशों ने भारत की कंपनियों में काफी बड़ा अमाउंट निवेश किया है, जिससे एक तरीके से भारत की कंपनियां तो आगे बढ़ ही रही हैं, साथ ही उन देशों की भी कमाई भारत की कंपनियों के माध्यम से हो पा रही है, जिसके कारण विदेशों से भारत में आने वाला निवेश लगातार बढ़ता ही जा रहा है। लेकिन इसी बीच जो खबर निकल कर आई है वह एक बहुत बड़ी हेडलाइन बन चुकी है, क्योंकि स्विट्जरलैंड ने यह बात सीधे तौर पर कहा है कि आने वाले कुछ सालों में उनके द्वारा भारत में 100 बिलियन डॉलर तक का इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। और साथ ही स्विट्जरलैंड ने यह भी कहा है कि अभी तक जो ज्यादा ध्यान उनके द्वारा चीन पर दिया जा रहा था, अब उसकी बजाय भारत पर उनके द्वारा ध्यान दिया जाएगा। कहने का मतलब यह है कि अभी तक जो मोटा मोटा इन्वेस्टमेंट चीन में जा रहा था वह पूरी तरीके से भारत में शिफ्ट होने जा रहा है। यानी कि दिवाली के पहले ही स्विट्जरलैंड ने चीन का दिवाला निकाल दिया है और वहीं उनकी तरफ से दिवाली का भारत को एक तरीके से गिफ्ट दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इस समय साल 2024 में अगर दुनिया का कोई सबसे अच्छा देश है तो वह स्विट्जरलैंड है, जिसकी पोजीशन नंबर 1 पर है, जबकि अच्छे देश की लिस्ट में भारत की पोजीशन 33वें नंबर पर आती है। और अगर इस मैप में हम ध्यान से देखें तो ये है हमारा भारत, और यूरोपीय देशों की तरफ आने पर यहाँ पर इटली के बगल में मौजूद है यूरोपीय देश स्विट्जरलैंड। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि स्विट्जरलैंड के द्वारा भारत में जो इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है यह पहली बार है, बल्कि दोनों देशों के बीच बढ़ते व्यापार और रिश्ते अच्छे होने के कारण अब तक स्विट्जरलैंड के द्वारा भारत में 43 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया जा चुका है। और स्विट्जरलैंड के द्वारा भारत में आज तक जितना भी निवेश किया गया है उससे स्विट्जरलैंड को काफी ज्यादा फायदा हो रहा है, क्योंकि भारत की कंपनियां लगातार ग्रोथ कर रही हैं और भारत की इकोनॉमी बढ़ रही है, और इनका मकसद है कि भारत के साथ इनका व्यापार और भी ज्यादा बढ़े, साथ ही दोनों देश एक दूसरे की जरूरत बन पाए। इसीलिए साल 2024 की जनवरी महीने में दोनों देशों के बीच एग्रीमेंट हुआ था। हालांकि 100 बिलियन डॉलर इन्वेस्टमेंट करने का प्लान तो
उन्होंने जनवरी के महीने में ही तैयार कर लिया था, लेकिन यह चाहते थे कि किसी ऐसे सेक्टर में इन्वेस्टमेंट किया जाए जिससे भारत को ग्रोथ भी मिले और उनका अच्छा खासा फायदा हो। और अब इसी बात का कंफर्मेशन हम लोगों के सामने आ चुका है, जिसमें स्विट्जरलैंड की दो बड़ी कंपनियों का नाम सामने आ रहा है जो कि इस 100 बिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का हिस्सा बनने जा रही हैं। इसमें स्विट्जरलैंड की पहली कंपनी है एबीबी, जो कि इंजीनियरिंग ग्रुप वाली कंपनी है और ऑलरेडी भारत में काफी पहले से ही एग्जिस्ट करती है। और जो दूसरी कंपनी है वह है कॉइन प्लस नागल, जो कि स्विट्जरलैंड की एक बहुत बड़ी जानी मानी ट्रांसपोर्ट कंपनी है। और इन्हीं दो कंपनियों के माध्यम से जो ज्यादातर इन्वेस्टमेंट है वह भारत में आने जा रहा है। लेकिन अब सवाल खड़ा होता है कि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट भारत के किस सेक्टर में किया जाएगा। तो इसके लिए आपको बता दें कि स्विट्जरलैंड की एबीबी एक प्रकार की ऑटोमोटिव और इंजीनियरिंग कंपनी है और बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट वाली प्रोजेक्ट बनाने में इस कंपनी का एक बहुत बड़ा रोल रहता है। और जाहिर सी बात है कि इसी सेक्टर में यह कंपनी भारत में काम करेगी। और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में विकास होने से इसका सबसे बड़ा फायदा भारत की इकोनॉमी में होगा। और ऑलरेडी भारत ही नहीं बल्कि कई अन्य देशों के बड़े बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर भी यह कंपनी काम कर रही है, जिससे इनके पास एक्सपीरियंस की कोई कमी नहीं है। और वहीं दूसरी कंपनी कॉइन प्लस नागल की बात की जाए तो यह एक ग्लोबल ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो कि आम तौर पर सप्लाई चेन को कंट्रोल करती है, यानी कि इस कंपनी के माध्यम से भारत में होने वाला इन्वेस्टमेंट ट्रांसपोर्टेशन को काफी अच्छा कर देगा, जिससे लोकल एरिया के साथ साथ दूर दराज वाले इलाके और दूसरे देशों तक सामानों को ले जाने और ले आने के मैनेजमेंट में काफी आसानी हो जाएगी। यहाँ तक कि स्विट्जरलैंड की कॉइन प्लस नागल ने इस बात का अनाउंसमेंट किया है कि सबसे पहले इस समय उनकी जो वर्कफोर्स यानी कि काम करने वाले श्रमिकों का समूह 2800 है, उसको लगभग दो गुना यानी कि 4800 के आसपास करेंगे। और साथ ही यह कंपनी भारत के गुरुग्राम, कोलकाता और चेन्नई में इसी साल लॉजिस्टिक्स सेंटर खोलने वाली है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि एक तरफ से यह भारत में इन्वेस्टमेंट कर रही है और दूसरी तरफ यह भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को भी बढ़ाने में कामगार साबित होने जा रही है। और उनके द्वारा जो लॉजिस्टिक सेंटर खोले जाएंगे और वर्कफोर्स को बढ़ाई जाएगी तो उसमें इस बात के चांसेस बढ़ जाते हैं कि भारत में नौकरी की संभावना भी खुल जाएगी और नए वर्कर को अलग अलग पोस्ट पर जॉब के लिए भी सिलेक्ट किया जाएगा। और इसी तरीके से इंजीनियरिंग ग्रुप वाली एबीबी कंपनी ने भी इस बात का अनाउंसमेंट किया है कि भारत की डिमांड के अनुसार फैक्ट्रीज और शोरूम्स खोली जा रही है, जिसमें से पिछले साल लगभग 8 प्रोजेक्ट इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। और उनके वर्कर की भी जो वर्कफोर्स 6000 है उसको बढ़ाकर 10000 किया जा रहा है। और साथ ही स्विट्जरलैंड की इस कंपनी के लिए भारत की पोजीशन 5वें नंबर पर है, लेकिन अब इन्वेस्टमेंट बढ़ने से भारत 3रे नंबर पर आने जा रहा है। बाकी भारत की बढ़ती ताकत का अंदाजा दुनिया को लग रहा है और स्विट्जरलैंड की तरफ से 100 बिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट भारत आ रहा है। इसके लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें।